बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द लास्ट पार्ट ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक डिजीज में ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, जिसमें दो तरह की हमने पढ़ी हैं। कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, एक नेफ्रोटिक होती है जिसमें एल्ब्यूमिन लॉस ज़्यादा होता है, प्रोटीन लॉस होता है। दूसरी होती है नेफ्रिटिक, जिसमें हीमाचूरिया, एडिमा, इस तरह की कंप्लेन ज़्यादा होती हैं। वाई? बिकॉज देर इज़ ब्रेक डाउन इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट ब्रेन एंड क्रिसेंट फॉर्मेशन। नेफ्रिटिक में कौन कौन सी आती है डिजीजेस? एंटी जीबीएम, ग्लोमेरुलर बेसमेंट ब्रेन डिजीज, स्मॉल सेल वेस्कुलाइटिस, पोस्ट ट्रॉपिकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जिसमें एसोसिएटेड्स मिलेंगे, और आईजी नेफ्रोपैथी वगैरह इसमें आती है। नेफ्रोटिक में कौन कौन सी आती है? देर इज़ इंजरी टू पोडोसाइट्स, देर इज स्कारिंग, देर इज डेपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड अदर एलिमेंट, जिसमें इसमें चार मेजर जो प्राइमरी कॉज हैं वो चार हैं। मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी। अमाइलॉइड डिपोजिशन या सेकेंडरी अमाइलॉइड डिपोजिशन या डायबिटिक नेफ्रोपैथी, दिस इज सेकेंडरी कॉजेज। इसमें प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होता है, अब ये स्पेक्ट्रम देखें, और इसमें हीमाचूरिया ज़्यादा होता है। ठीक, जो मिजेंजो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, दैट स्टैंड्स इन बिटवीन द नेफ्रोटिक एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम। तो इसमें बराबर का हीमाचूरिया और प्रोटीन यूरिया होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के UHS पेपर में, कि 15 ईयर्स ओल्ड बॉय OPD में प्रेजेंट करता है, उसको पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, बायलेटरल एंकल एडीमा, ऑन एग्जामिनेशन BP 110/80, GVP नॉट रेज, चेस्ट एंड CVS अनरिमार्केबल एक्सेप्ट ब्रेथ साउंड्स दैट रिड्यूस बायलेटरली ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन, CBC हीमोग्लोबिन इसका 12 है, ठीक है, BUN इसका अच्छा खासा बड़ा है, 16 अपर लिमिट थी 20 है, क्रेटिनिन 1.2, लाइक इट्स इन द नॉर्मल रेंज, अपर नॉर्मल लिमिट कह सकते हैं। चेस्ट एक्सरे शोज बायलेटरल इफ्यूजन, तो बायलेटरल इफ्यूजन है, इसका मतलब डीमा हो रहा है मोस्ट कॉमनली इस उम्र में बच्चे के, उस उम्र के बच्चे में। जो डायग्नोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एंड अंडरलाइंग एटियोलॉजी इज मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी जो है वो। इसके दो इन्वेस्टिगेशन और दो ड्रग्स पूछे थे, दो इन्वेस्टिगेशंस में हम बायोप्सी के लिए जा सकते हैं, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप पे कुछ नज़र नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नज़र आएगा। देयर वेयर फ्यूजन ऑफ पोडोसाइट फूड प्रोसेस इज सीन एंड इज अ नॉन स्पेसिफिक थिंग। और इन ड्रग्स में एक तो ये है कि पिरिडनिस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देनी है, वो तो हमें पता है कि देनी है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड करता है। किस तरह देनी है? कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ना, इसका एक फॉर्मूला है 1 mg/kg पर डे के लिहाज से। प्रेडनिसोलॉन 6 हफ्तों के लिए देनी है, 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक दे सकते हैं। और इसके साथ जैसे वो उसको पल्मोनरी एडीमा हुआ तो डायुरेटिक्स दे सकते हैं, डायुरेटिक्स 1 mg/kg बॉडी वेट, और उस डायुरेटिक में फ्यूरोसमाइड या फिर स्पाइनल इलेक्ट्रॉन, ताकि पोटेशियम स्पेयर हो। रिप्लेस एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन अगर कम है तो एल्ब्यूमिन लगाई जाए बॉडी में फॉर लाइक अबाउट 5 डेज OD, अगर डायुरेटिक्स काम नहीं करे। नहीं तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड एंड साइक्लोस्पोरिन देनी, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रिटुक्सिमैब कैन बी आल्सो गिवन। दो ड्रग्स पूछिए आप, साइक्लोफॉस्फामाइड प्रेडनिसोल और साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह लिख सकते हैं। फिर बाकी ने वो अपनी डिजीज बताएंगे, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस वगैरह के बारे में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में, गुड पास्टर सिंड्रोम है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं α3 के अगेंस्ट, और एल्पोर्ट सिंड्रोम है उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है α5 के अगेंस्ट, उसमें तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी होता है। नॉस्टॉल परपरा में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, GIT में इन्फेक्शन, वेस्कुलाइटिस और हिमाचूरिया, एकाइमोसिस, ब्रूजिंग वगैरह। इट इज़ लाइक मोर सिमिलर टू IgA नेफ्रोपैथी, मोर सिमिलर टू IgA नेफ्रोपैथी, बट यह नॉस्टॉलन परपरा में परपरिक स्पॉट्स भी होते हैं जो IgA नेफ्रोपैथी में नहीं होते, तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। इसकी क्लिनिकल पिक्चर इस तरह डिफ्रेंशिएट कर जाती है। और पोस्ट ट्रॉपिकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एसोसिएटेड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये सारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट ब्रेन पे चिपके हुए होते हैं, और C3 और C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और उसमें एसोसिएटेड्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। एल्पोर्ट सिंड्रोम, जैसे मैंने बताया कि अबनॉर्मल कोलेजन सिंथेसिस होती है, α5 में मसला आता है, इट्स एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हम पढ़ेंगे, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन ये एक्स लिंक है, वो ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड है, और इसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस भी होती है, किडनी भी उड़ती है, और कोई भी मेम्ब्रेनस म्यूकस मेम्ब्रेनस वाली रीजन है तो वो भी उड़ता है। कॉजेज ऑफ एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में, ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज में, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कैन बी बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स, कैन बी बिकॉज ऑफ ड्रग्स,
पेनिसिलिन एनसेड्स प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स मेसलाजिन ऑटोइम्यून नेफ्राइटिस प्लस माइनस यूवेटिस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन्फेक्शन लाइक एक्यूट बैक्टीरियल पायलोनेफ्राइटिस लिप्टोस्पायरोसिस टीबी हंटा वायरस माइलोमा लाइट चेंज या मशरूम्स की वजह से. अब यही अक्यूट अगर ठीक ना हो तो वो क्रॉनिक में बदल जाएगी, मोर देन लाइक 3 मंथ्स में क्रॉनिक में बदल जाएगी. उसमें भी सेम वही चीज़ें जो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के कॉजेज भी आप क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में लिख सकते हैं. टॉक्सिन्स लाइक लेड मशरूम्स शॉगन सिंड्रोम सार्कोइडोसिस वैसे को यूरिटरी रिफ्लेक्स रीनल डिस्प्लेजियाज इनहेरिटेड कॉजेज जैसे विल्सन्स डिजीज मेडल रिस्पॉन्स डिजीज सिकल सेल न्यूरोपैथी कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टलाइजेशन हाइपोकलीमिया हाइपर ऑक्सल यूरिया दे ऑल कॉजेज क्रॉनिक इंडस्ट्रीशियल नेफ्राइटिस. सिस्टिक किडनी डिजीज़ में सबसे ज़्यादा अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज डिस्कस होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बनती है. क्यों? क्योंकि देर इज म्यूटेशन इन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 1 मोर देन 85% यही म्यूटेशन होते हैं, नहीं तो 2 अबाउट 15%. अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट लिखा हुआ है. इसमें स्मॉल सिस्ट बनती हैं और दे प्रोटीन लॉट ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. इसमें बच्चे को हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होती है और ना सिर्फ ये सिस्ट किडनी में होती है ब्रेन में भी होती है. इट कॉज ब्रेन एनरिज्म लिवर में भी होती है. हिपैटिक सिस्ट बना देती हैं. वॉट आर द अदर फीचर्स ऑफ अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़? जैसे कि बताया कि वेक डिस्कम्फर्ट एंड लॉइन एंड अबडोमेन मास फील होगा. इंक्रीजिंग मास की वजह से डिस्कम्फर्ट होगी. अक्यूट लॉइन पेन एंड रीनल कॉलिकी ड्यू टू हेमरेज इनटू अ सिस्ट हाइपरटेंशन हीमाचूरिया रीनल ट्रैक या सिस्ट इन्फेक्शन रीनल फेलियर. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? जो इसकी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ना वो अल्ट्रासाउंड ही है. फैमिलियल हिस्ट्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स और अल्ट्रासाउंड. हाउ वुड यू मैनेज? इसका एंड पे ना होनी रीनल ट्रांसप्लांट ही है. बाकी गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर जो जो इसके फीचर्स हैं उसको कंट्रोल करें. पेन के लिए एनल्जीजिया, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ना, हाँ, रीनल स्टोन्स. रीनल स्टोन्स हम पढ़ेंगे कितनी तरीके कितनी तरह के होते हैं. कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट तकरीबन दोनों एक कैल्शियम का ही लगा लें. कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑक्सलेट यूरिक एसिड मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जस्ट टू वाइड सिस्टीन एंड अदर्स सिस्टीन और जैंथिन वगैरह के स्टोन्स. सिस्टीन जैंथिन के मोस्ट प्रोबेबली इट्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम. बाकी जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट इट्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूसेस अल्कलाइन यूरिन. इसे स्ट्रोवाइट के भी कहते हैं अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के स्टोन्स को. दे प्रोड्यूसेस स्टैगोन कैलकुलाई दैट फिल्स द होल रीनल पेल्विस लाइक दिस स्टैगोन कैलकुलाई. हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट? अल्ट्रासोनोग्राफी पे ही पता लग जाएगा. नहीं तो ब्लड में आप मेजर करें पैराथायरॉइड हार्मोन की कंसंट्रेशन. अगर रिकरेंस हो रही है पैराथायरॉइड की कंसंट्रेशन कैल्शियम फॉस्फेट यूरिक एसिड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स बायकार्बोनेट. यूरिन में देखें डिपस्टिक टेस्ट 24 आवर यूरिन कलेक्शन में यूरिया क्रिएटिनिन सोडियम कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड. हाउ वुड यू मैनेज? इट डिपेंड्स कि अगर पहले से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि पेन है तो मॉर्फिन दें और रीनल कोलिकी को ट्रीट करें. फिर डिपेंड कर जैसे सर्जरी में हमने पढ़ा था कि अगर छोटा तक शॉक और पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या नेफ्रो परकोटेनियस नेफ्रोलिथोटमी भी कर सकते हैं. इमरजेंसी प्रोसीजर लिखे हुए हैं. और हाँ ये देखिए जैसे इट डिपेंड्स कि ऑप्शंस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिनरी स्टोन्स का कितना डायमीटर है और कहाँ फंसा है. रीनल पेल्विस में फंसा तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और परकोटेनियस नेफ्रोलिथोटमी और यूट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं. अपर यूरिटर में ESWL और यूट्रोस्कोपी. लोअर यूरिटर में अगेन ESWL और यूट्रोस्कोपी. ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी. ब्लैडर में तो सिस्टोस्कोपिक रिमूवल और डिस्ट्रक्शन एंडोस्कोपिक रिमूवल और डिस्ट्रक्शन या ओपन रिमूवल और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इसकी मैनेजमेंट में इसकी मैनेजमेंट में प्रिवेंशन भी आएगी कि फ्रूड लें अच्छा खासा सोडियम इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करें प्रोटीन इनटेक दिहाई ना लें कैल्शियम को भी रिस्ट्रिक्ट करें. जिन फूड्स में ऑक्सलेट ज़्यादा लाइक इन टोमेटो स्पेनिच तो उसको ना इतना लें. ड्रग्स लाइक थायजाइड डायरेटिक थायजाइड कॉजेज हाइपर कैल्सी यूरिया तो उसमें तो रिस्ट्रिक्ट करना ही है. थायजाइड डायरेटिक को रीनल स्टोन में एलोपिरोनॉल ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कैन ऑल्सो कॉज ना रीनल स्टोन्स. अवॉइड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एंड विटामिन सी सप्लीमेंटेशन बिकॉज द इंक्रीज द ऑक्सलेट एक्सक्रीशन. और फिर है इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक यूटीआई. यूटीआई में कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर सकता है. इसका स्पेक्ट्रम ऑफ यूटीआई दिस एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया या सिम्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया जिसमें एक्यूट यूरिथ्राइटिस हुआ सिस्टाइटिस हुआ पायलोनेफ्राइटिस प्रोस्टेटाइटिस सेप्टिसीमिया ग्राम नेगेटिव पूरी बॉडी में फैल चुका हुआ. एंड इट प्रेजेंट्स विद डिसयूरिया urgency, burning micturition, suprapubic pain and urine may appear cloudy and have unpleasant odor, microscopic visible hematuria bhi ho sakta hai. To in sare clinical features, how would you treat antibiotics?
ये भी है ना कि यूरिनरी ट्रैक की पूरी इन्फेक्शन है. यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन में सिस्टाइटिस भी हो सकता है, पेलोनेफ्राइटिस, एपिडर्मा ऑर्काइटिस, अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस. तो उसकी ट्रीटमेंट में वही है कि जो चीज़ जिस चीज़ का है उसको ट्रीट करें. अब जैसे सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस में एक टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में बहुत कॉमनली है जो पकड़ लेगा ऑर्गेनिज्म को, लाइक नाइट्रेट टेस्ट. आई डोंट नो यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा. नाइट्रेट टेस्ट करने से ऑर्गेनिज्म को पता लग जाता है कि अगर नाइट्रेट्स हैं तो इसका मतलब कि ये सिस्टाइटिस है. फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस में ट्राइमिथोप्रिम, एमोक्सिसिलिन, प्रोफाइलेक्टिक, कोमोक्सिक्लैव, नाइट्रोफरेंटोइन और ट्राइमिथोप्रिम. नाइट्रोफरेंटोइन शगास डिजीज में भी देते थे इफ़ यू रिमेंबर. पाइलोनेफ्राइटिस में कोमोक्सिक्लैव, सिप्रो और जेंटामाइसिन या सिफ्रोक्सिम. एपिडर्मा ऑर्काइटिस में सिप्रो फ्लॉक्सासिन ही है. और अक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में ट्राइमिथोप्रिम और सिप्रो फ्लॉक्सासिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. प्रोफाइलेक्टिक फ्लूड, एटलीस्ट 2 liters पर डे, कंप्लीट एंड रेगुलर एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर, गुड पर्सनल हाइजीन, एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्रैनबेरी जूस में भी इफेक्टिव. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस. वही जो यहाँ पे इसकी ड्रग्स पहले पढ़ चुके हैं कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे दैट विल कॉज इन्फेक्शन. तो फीवर तो होगा ही होगा. लाइन पेन, फीवर एंड टेंडरनेस ओवर द किडनीज, ये क्लासिक टायर्ड है. पेन, फीवर और टेंडरनेस. रीनल पेल्विस इज इन्फ्लेम्ड एंड स्मॉल एब्सेसेस में ऑफन भी एविडेंट. इन्फेक्शन में भी असेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर या हेमाटोजेनस आई है वो पता नहीं. और इसका इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, इसके मैनेजमेंट में यही टेबल्स हैं जो कि CBC, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन, ब्लड कल्चर्स और यहाँ डिपस्टिक यूरिन एस्टिमेशन ऑफ नाइट्राइट लिखा, वैल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन कितनी है कितनी नहीं है. हाउ वुड यू ट्रीट, मैनेजमेंट इज इंटरवीनस रिहाइड्रेशन और यूरिन शुड बी रिकल्चर्ड, यूरिनल ट्रैक अल्ट्रासाउंड करवाएं और यूरिन एनालिसिस, यूरिन माइक्रोस्कोपी और यूरिन कल्चर से पता लग जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म ने इफेक्ट किया हुआ है, तो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रीनल एडिनोकार्सिनोमा, जिसे हाइपर नेफ्रोमा भी कहते हैं. रीनल सेल कार्सिनोमा इज इंपॉर्टेंट. एक ऑन्कोसाइटोमा होता है जो कि आई गेस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का होता है. रीनल सेल कार्सिनोमा अप्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ट्यूबुलर सेल्स का होता है. इसमें क्लियर सेल की सब टाइप्स क्लियर सेल है विद पेपिलरी कार्सिनोमा, क्रोमोफोब कार्सिनोमा या कलेक्टिंग ट्यूमर्स जैसे मैंने बताया ऑन्कोसाइटोमा. इसकी जो क्लासिक ट्रायड है ना, देर विल बी पेन, देर विल बी पेनलेस हीमाचूरिया, पेन इन द लाइन एरिया, पेनलेस हीमाचूरिया एंड यू विल फील अ मैस. ESR रेस्ड, फीवर रेस्ड, ESR, पोलिसाइथीमिया. पोलिसाइथीमिया क्यों, क्योंकि मैस विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इरिथ्रोपोइटिन. डिसऑर्डर्स ऑफ कोगुलेशन, हाइपरकैल्सीमिया क्यों, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज पेप्टाइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम वाले सिम्टम्स, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, लिवर फंक्शन टेस्ट. हाइपरकैल्सीमिया बहुत है ना इसमें. और पैराग्जी ऑफ अनोन ओरिजिन, पेशेंट में प्रेजेंट विद पैराग्जी ऑफ अनोन ओरिजिन और विद न्यूरोपैथी. तो आपने देख लिया, जैसे ही मैंने ये सारा बताया, एरिथ्रोपोइटिन. अच्छा, पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ भी प्रेजेंट करता है. वाई, बिकॉज किडनीज रेनिन रिलीज करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज, पेप्टाइड और गोनाडोट्रोफिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे. इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. क्यों, क्योंकि ये सॉलिड ट्यूमर्स को सिस्टिक ट्यूमर्स के साथ डिफरेंशिएट कर लेगी बड़े आराम से. मैनेजमेंट इसकी एक ही है, रेडिकल नेफ्रेक्टमी अलॉन्ग विद पैराओटिक लिम्फ नोड्स. वो सारा इकट्ठे ही निकलेगा. ये जो नेफ्रेक्टमी होती है मोस्ट कॉमनली इट इज़ डन लेप्रोस्कोपिकली. और उसके बाद कीमोथेरेपी के साथ किस लगा सकते हैं. यूरोथीरियल ट्यूमर्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है. लास्ट एक पेज इंपॉर्टेंट है, उसमें ड्रग्स लिखी हुई हैं जो कि ड्रग्स एंड ड्रग्स मैकेनिज्म एंड एग्जांपल्स ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिजीज और डिसफंक्शन. कौन कौन सी ड्रग्स कर सकते हैं, एनसेड्स, एस इनहिबिटर्स, रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कौन कौन सी कराती है. ये तो हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी कराती है ना. हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए एनसेड, एस इनहिबिटर्स, रेडियोग्राफ कंट्रास्ट मीडिया देते हैं. तो वो वाली ड्रग्स तो नेफ्रोटॉक्सिक हैं. फिर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कौन कौन सी ड्रग करवा सकते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम्फोटेरिसिन, पैरास्टामोल ओवरडोज, फिर अगेन रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, लिथियमसिस, प्लास्टिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, पेनिसिलिन. एनसेड्स तो हर एक कोई ना कोई कंडीशन करा रही है रीनल में. ए साइक्लोविर किरमोस थेरेपी तो क्रिस्टल फॉर्मेशन कराएंगी. ऑरल सोडियम फॉस्फेट कंटेनिंग बाउल क्लिनजिंग एजेंट, एर्गोलिनिक डोपामिन एगोनिस्ट लाइक कैबरगोलिन और मिथाइसरगाइड, प्रैक्टोलॉल. ये पता भी नहीं ड्रग्स कौन सी हैं. बहरहाल दे कॉज रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस. नेफ्रोकॉल्सिनोसिस का लिए फॉस्फेट कंटेनिंग ड्रग्स हुई जो फॉस्फेट बना सकती हैं स्टोन्स वगैरह. तो दीज आर द ड्रग्स दैट कॉजेज रीनल डिसफंक्शन. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जज़ाकअल्लाह खैर.